समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता पर कमलेश तिवारी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कमलेश तिवारी की मां ने महमूदाबाद में स्थित राम जानकी मंदिर की मुकदमेबाजी को इस घटना की वजह बताया। कमलेश तिवारी की मां ने शिव कुमार गुप्ता नाम के एक स्थानीय बीजेपी नेता पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कमलेश तिवारी की मां का कहना है कि उसकी हत्या बीजेपी नेता शिव कुमार गुप्ता के इशारे पर ही हुई है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महोदय आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर, क्योंकि उन्होंने अभी हमारे पास भेजा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई गुजरात में अहमदाबाद में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनकी चार्जशीट में जो पुलिस ने, गुजरात एटीएस ने जो दाखिल किया है चार्जशीट में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये दोनों आतंकवादी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और वो कमलेश तिवारी की हत्या करने का प्लान बना रहे थे और कमलेश तिवारी की हत्या करना उनका मकसद था। इसी तरीके से पूर्व में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बराबर और देश के गृह मंत्री को इन विषयों पे पत्र लिखा जाता रहा हिंदू समाज पार्टी के द्वारा। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा, उसके अलावा दुबई के अलावा पाकिस्तान और भी मुस्लिम देशों से फोन भरी धमकियां आती रहती हैं। भोपाल के पहले एक साल पूर्व हमारी गाड़ी का पीछा भी किया गया था, जिसकी सूचनार्थ हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया था। मध्य प्रदेश के लखनऊ कार्यालय पे भी रेकी हुई, जिसके चलते एक साल पहले सीसीटीवी कैमरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने लगवाया। हमारी सुरक्षा संबंधित फाइल योगी आदित्यनाथ जी दबा के रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय दिल्ली में संपर्क किया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी गई है आपकी सुरक्षा को लेकर। 3 माह पहले लखनऊ के आईजी कार्यालय से संपर्क किया गया, कहा कि आपकी फाइल गृह सचिव के पास है। गृह सचिव, गृह मंत्रालय संपर्क किया जाता है तो मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। पूरा देश जानना है कि आज हमारे ऊपर 100 करोड़ से ज़्यादा फतवे मुस्लिम समाज ने जारी कर रखा है, मौलानाओं ने जारी कर रखा है और गुस्ताखे रसूल के रूप में मुझे हर मुसलमान संबोधन कर रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई मजबूत सुरक्षात्मक कदम नहीं उठा रही है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जलनवश ऐसा कार्य कर रही है जिससे देश के आतंकवादियों को अवसर मिले कि वो मेरी हत्या कर सके। मैं लगातार देश भर के दौरे पर रहता हूँ, कुछ समय तक पुलिस स्क्वाड भी चला, लेकिन पिछले एक साल से जिस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से उपेक्षा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में शासन प्रशासन कर रहा है, वो शर्मनाक है। आज राष्ट्रीय महासचिव पुनः पत्र गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है, सरकारों को सोचना होगा। जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं और एटीएस उनकी चार्जशीट में लिख के देता है कि ये कमलेश तिवारी की हत्या करना चाह रहे थे, आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, फिर भी सुरक्षा के नाम पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार खिलवाड़ क्यों बना रखा है, ये देश के मीडिया के चैनल के मार्फत
अपनी बात देश की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं, वंदे मातरम। हालांकि कुछ दिन पहले कमलेश तिवारी ने एक वीडियो जारी कर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सुरक्षा नहीं देने का भी आरोप लगाया था। कमलेश ने कहा था कि सीएम योगी के आदेश पर ही उनकी फाइल को रोका गया है। को आरोपी है अम्मा? आई हाथ का खेल है। सुई कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुई कुमार गुप्ता। हमसे किसी ने नहीं पूछा, वहाँ पर किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, बस ये प्रश्न किया, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? हम मिट्टी चाहते हैं। एक बजे से मिट्टी मिट्टी मिलत मिलत दो बजे रात को बस यूँ पूछा गया। हाँ, अभी फिर हर सुख कुमार गुप्ता छोड़ भी हम कोई का नहीं। मार दिन छोड़ भी तो कोई बात ही नहीं। यह मका कोई मारी हमका, यह मका वर्दी मका मारी। वहीं कमलेश तिवारी के परिजनों ने परिवार के दो सदस्यों के लिए नौकरी की मांग की। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नहीं आएंगे, वे कमलेश तिवारी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। मृतक कमलेश तिवारी की पत्नी ने कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी गई, तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। फिलहाल इस मामले में यूपी एटीएस ने बिजनौर से एक मौलाना को गिरफ्तार किया। साथ ही गुजरात एटीएस ने सूरत से 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से अनिल सैनी, ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।